हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर फूड चैनल जब फ्लेवर्स भी। आज मैं सच देश के इंडियन लुक में तैयार हूँ, इसलिए तैयार हो गया हूँ क्योंकि दिवाली आ रही है, तो हम लोग आज इंडियन मिठाई बना रहे हैं। बहुत क्विक और सिंपल मिठाई बना रहे हैं, एक 10 मिनट में बन जाएंगी। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे लोग जॉब पे जाते हैं तो उन लोग के पास टाइम नहीं रहता मिठाई घर पे बनाने के लिए, तो उन लोग क्या करते हैं, मिठाई बाहर से मंगाते हैं। अच्छी बात है, आप लोग बाहर से ही मिठाई मंगाओगे तो एटलीस्ट यू कैन सपोर्ट लोकल बिजनेस, विच इज वेरी गुड इस क्राइसिस में। एटलीस्ट यार एक तो मिठाई घर पे बनती है, इसलिए मैं क्विक रेसिपी लेके आ रहा हूँ यूजिंग ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मेरे पास कोकोनट है, डेसिकेटेड कोकोनट, और मैं यूज कर रहा हूँ कंडेंस मिल्क एंड कोको पाउडर। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स यूज करके मैं आज चोको कोकोनट लड्डू बना रहा हूँ। बस 10 मिनट में फटाफट बन जाएगा। चलो आज की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले गाइस, आप हमारे चैनल पे नए हो और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना एंड प्लीज सपोर्ट अस। और आप बेल आइकन भी प्रेस करना कि जब भी हम लोग न्यू रेसिपी अपलोड करेंगे तो आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन आएगा। मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, उसमें मैं कोको पाउडर ऐड कर रहा हूँ, फिर मैं ऐड करूँगा कार्डमम पाउडर, ज़्यादा नहीं हल्का सा, और इस मिक्सचर को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मैं ऐड कर रहा हूँ कैशू नट। मैंने कैशू नट को रोस्ट करके उसको क्रश किया है, बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको कैशू नट पसंद नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, या आपको और कोई नट्स पसंद है जैसे कि पिस्ताचियो, आलमंड, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं अभी ऐड करूँगा कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क स्वीट रहता है तो आपको शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इस मिक्सचर में। फर्स्ट हम लोग 3 स्पून ऐड करेंगे, बाद में स्लोली स्लोली और चाहे तो और ऐड करेंगे, इसलिए क्योंकि हमें डो की कंसिस्टेंसी में इस मिक्सचर को लाना है। फॉर एग्जाम्पल आप चपाती बनाते हो तो एक साथ पानी नहीं डालते, राइट, स्लोली स्लोली करके हम लोग ऐड करते हैं, कुछ उसी तरह से यहाँ पे भी करना है। इसको मिक्स कर लेते हैं। एक्चुअली नहीं चलेगा स्पून यहाँ पे क्योंकि हम लोग लड्डू बना रहे हैं तो मुझे मेरा हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हाथ से इसको अच्छे से मिक्सचर को मिक्स करना है। मुझे लगता है थोड़ा और कंडेंस मिल्क लगेगा, यहाँ पे 2 स्पून और कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे और इस मिक्सचर को और एक बार अच्छे से मिक्स करके एक थिक डो की कंसिस्टेंसी में लाएंगे। शेफ़ टिप ये है आज का, सपोज़ आपको चॉकलेट पसंद नहीं है तो आप कोको पाउडर को स्किप करके आप प्लेन कोकोनट लड्डू बना सकते हो। कोकोनट का लड्डू का मिक्सचर बन के रेडी है, ऐसे थिक होना चाहिए। फिर हम लोग इस मिक्सचर के छोटे छोटे राउंड शेप के बोल बनाएंगे कुछ इस तरह से। ये रहा हमारा पहला लड्डू बन के रेडी है, ये अभी तक फिनिशिंग नहीं हुआ है, ऐसे हम लोग बाकी के भी करके लेंगे। लास्ट टाइम हमने डबल डेकर चॉकलेट कलाकंद की रेसिपी बनाई थी, उसका वीडियो हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपने नहीं देखा है अभी तक, प्लीज़ आप वो देख लेना, वो भी बहुत डिलीशियस और बहुत ईजी रेसिपी है इस दिवाली में बनाने के लिए। उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूँगा। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट है ना वो बचा के रखा था तो मैंने लिया है यहाँ पे वो। अभी मैं क्या करूँगा, इस लड्डू को इस डेसिकेटेड कोकोनट में कोट करूँगा कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा, हमारे लड्डू ना बहुत अट्रैक्टिव दिखेंगे और जो डेसिकेटेड कोकोनट रहता है वो थोड़ा सा क्रिस्पी रहता है तो आपको एक ना क्रिस्पी सा एक टेक्सचर मिलेगा बाहर से। सेकेंड शेफ टिप्स ये रहेगी आपके लिए, हमें इस लड्डू को फ्रिज में नहीं रखना है, इस लड्डू को हमें रखना है रूम टेम्परेचर में, कोई भी एक एयर टाइट कंटेनर में इसको बाहर रखना है, नहीं तो लड्डू बहुत हार्ड हो जाएंगे। बाकी के लड्डू भी फटाफट फिनिश कर लेते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, मुझे लगता है आपको ये पक्का इस दिवाली में ट्राई करना चाहिए, कोकोनट एंड चोको लड्डू। और आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और ये वीडियो को आप शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चलो हमारा लास्ट लड्डू है, इसको हम लोग फिनिश करते हैं और हम लोग तैयारी करते हैं अभी गार्निशिंग की। गार्निश के लिए मेरे पास यहाँ पे कैशू नट है, मैंने 1/2 करके लिए, इसको मैं कुछ ऐसे ऊपर से प्रेस कर रहा हूँ,
जस्ट फॉर द गार्निश, क्यूट दिखने के लिए, अच्छे दिखने के लिए। आपके पास कैशू नट नहीं है तो आलमंड भी यूज़ कर सकते हो, या आप पिस्ताशियो भी यूज़ कर सकते हो गार्निश के लिए। तो कुछ इस तरह से लगा रहा हूँ मैं। हमारे यम्मी डिलीशियस चोको कोकोनट लड्डू बन के तैयार है, इसको मैं अभी प्लेट कर रहा हूँ। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ बता देना हमें कमेंट सेक्शन में, और आपको कोई और रेसिपी देखनी है वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में, हम लोग ज़रूर ट्राई करेंगे बनाने के लिए। हमारा चोको कोकोनट लड्डू बनके रेडी है, बहुत डिलीशियस और बहुत प्रीटी लग रहा है, और जैसे आपने देखा ये झटपट में बन जाता है, मैंने 10 मिनट में बनाया है ये, डिलीशियस, बहुत सॉफ्ट है जैसे आप देख सकते हो, परफेक्ट स्वीटनेस है, काजू का जो क्रंचीनेस भी है। प्लीज ट्राई करना इस दिवाली में रेसिपी आप।